वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पास पुलिस की बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें, ये पुलिस बल बागेश्वर धाम पर ड्यूटी करने जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में बस का ट्रक फटने से यह हादसा हो गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ट्रक से जा रहे थे टाटा से बागेश्वर धाम। आज मंगलवार है, ड्यूटी के लिए जा रहे। कितने लोग थे आप लोग? ड्राइवर मिला के 10 थे। कहाँ पे कैसी घटना हो गई? वो पुलिया पे गड़ा रेलवे क्रॉसिंग में, वहीं खाई में गिर गई। हाँ, नहीं खाई में नहीं, नीचे पुल से नीचे। कितने लोग घायल हो गए आप लोग? सभी लोग छोटा सा चोट हुआ। हाँ, कहाँ से आए हो फिर जिला अस्पताल? यहाँ एम्बुलेंस से। सुबह 5:30-5:30 बजे के बीच में जीएल अहिरवा सर का फ़ोन आया था कि पुलिस वालों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, बागेश्वर धाम के आसपास हुआ था, जिनमें से 10 लोग हैं जो घायल अवस्था में आए थे, जिनमें से एक मरीज है जो घायल है, अभी सीरियस है, उनको हमने ग्वालियर के लिए रेफ़र करा है। बाकी और सभी पेशेंट जो हैं वो पुलिस वाले सभी स्टेबल हैं। दुर्घटना में घायल हुए कैसे थे लोग? ये लोग अपने पुलिस वैन से जा रहे थे बागेश्वर धाम कहीं ड्यूटी में। बस से थे? शायद बस में ही होंगे, वो बस वैन में थे सब, वो ड्यूटी में जा रहे थे। ड्यूटी के दौरान उनका वहाँ से कोई उनका शायद कोई टैक्सी वाले आ रहे थे, टैक्सी वाले को बचाने के चक्कर में इनसे मिसबिहेव होके गाड़ी इनकी खाई में गिर गई है, जो पेड़ से टकरा गए थे। कितने लोगों का इलाज चल रहा है? कितने लोग अभी हमारे पास? 10 लोग आए थे और 10 को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके सबको भर्ती कर दिया है और सभी अभी तक स्टेबल हैं, बस एक पेशेंट को छोड़ के जिनको हमने ग्वालियर रेफर कर दिया है।